दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं सोलन के एपिसोड 217 की पार्ट 1 पर। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। वीडियो शुरू होता है। हम सबसे पहले देखते हैं कैन रिजुवे अपनी ग्रैंडपे के साथ अपनी 8 एग्जाम को स्टार्ट कर देते हैं और उसके साथ कैन रिजुवे अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर एक और प्लेस पर आ जाते हैं, जहाँ पर आते कैन रिजुवे को कुछ समझ नहीं आता वो अभी के लिए कहाँ पर मौजूद है। मगर उसके साथ उस एरिया को देखने के बाद कैन रिजुवे कहते हैं क्या ये सियानलो एम्पायर की एरिया है, और उसके साथ कैन रिजुवे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। मगर उसके साथ वहाँ पर मुझे लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, जिनमें से कुछ लोग ये बात कर रहे होते हैं अभी के लिए यहाँ पर मौजूद रहना हमारे लिए हर के सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि वन एम्पायर हमारे सियानलो एम्पायर चुपकर अटैक करता जा रहा है और रोकने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जिन सब बातों को इग्नोर करते हुए कैन रिजुवे वहाँ से आगे बढ़ रही होती है। मगर उसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर मुझे जोकर को और इनका नाम बुली होता है और जाते जाते बता रहा होता है कि वन एम्पायर ने यहाँ पर अटैक ना किया होता मुझे इस बात का नहीं पता, क्योंकि मुझे कब तक सियानलो प्रिजन में रोकना पड़ता और कब तक वहाँ पर रहना पड़ता मुझे अपने दोस्त का सिचुएशन के बारे में नहीं पता अभी के लिए वो कहाँ है और कैसे है। तो जैसे कैन रिजुवे इनके पास से गुजरती है उसके साथ कैन रिजुवे को बेटी को देख कर उससे पैदा हो जाता है और उसके साथ कैन रिजुवे की तरफ आने लगता है और आते आते कहता है हेवन ने मेरे लिए अच्छा कर रहा है, हेवन ने स्पेशल इस लड़के को मेरे लिए यहाँ पर भेजा है। जिसके साथ बुली कैन रिजुवे के पास आ जाता है और आते उसे कहता है क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी, तुम जरा अपने कपड़ों के तो देखो मुझे तुम देखने में काफी ज्यादा वेल्दी फैमिली से लग रहे हो, तुम्हें इस बात का पता है मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, इस शहर में मुझे कोई भी लड़की मुझे ना नहीं कहती, क्या तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन चाहिए, एक कहते बुली अपनी मुंह से फ्लावर निकाल कर कैन रिजुवे को देने लगता है। मगर उसके जवाब पर कैन रिजुवे कोई भी जवाब नहीं देती, उसे और भी ज्यादा इग्नोर करने लगते है और अभी के लिए कैन रिजुवे बाजार में मौजूद होते है। जिसके साथ बुली दोबारा से कैन रिजुवे से कहता है हसीना क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक लेना चाहोगी, और इसके साथ वो अपनी सोल को एक्टिवेट कर लेता है और कैन रिजुवे को डराने से कोशिश करने लगता है। मगर उसके साथ कैन रिजुवे अपनी विंग्स को बाहर निकाल लेती है जो देखते बुली पूरी तरह से डर जाता है, जिसके साथ वो कैन रिजुवे के सामने भीख मांगने लगता है और उसे कहता है मुझे माफ कर दो प्लीज मुझे किल मत करना। मगर वहाँ पर सारे लोग इनको देखने लगते है, जिसके साथ उनमें से कुछ लोग कहते हैं चलो वहाँ पर आकर देखते हैं वहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। कैन रिजुवे कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं कर लेती तब मैं अपनी एग्जाम पास नहीं कर सकती। उसके साथ कैन रिजुवे के माइंड में कैन डोली की आवाज आती है जिसने उसे बताया था अगर इंसान को एंजल गॉड की व्यू से देखा जाए कौन से ऐसे क्राइम है जिनको हम माफ नहीं कर सकते। जैसे कैन रिजुवे अपने माइंड में ये बात सोच रही होती है उसके साथ वहाँ पर मौजूद लोग बुली के बारे में बात करने लगते है और उसके साथ कुछ लोग इसे प्रिजनर भी कहते हैं, जिसके साथ हम देखते हैं कैन रिजुवे के विल के वर्जन को जो कि यहाँ पर आकर लोगों के साथ रह रहा होता है, और उसके साथ में एक आवाज आते है इस इंसान को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, और उसके साथ कुछ लोग कैन रिजुवे से कहने लगते है इसे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। इन सब के बातें कैन रिजुवे को समझ नहीं आ रही होती है कि उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। जिसके साथ वो बुली दोबारा से कहता है मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूंगा, मगर उन सब की बातें कैन रिजुवे के कानी में पड़ने लगते है जो कि उसको पनिशमेंट देने के लिए आवाज दे रही होती है। जिसके साथ कैन रिजुवे वहाँ पर एक पावर को ग्लो करते है और उनसे कहते है तुम लोग कुछ देर के लिए चुप हो जाओ। दोबारा से बुली कैन रिजुवे से कहता है मैं आज से ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। जिसके साथ कैन रिजुवे से कहते है नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगता है तुम अभी तक गिल्टी फील नहीं कर रहे और ना ही बदले हो, मैं इस बात पर बिलीव क्यों करूं क्योंकि तुम दोबारा से ऐसी नहीं करोगी। जिसके साथ बुली कैन रिजुवे दोबारा से कहता है तुम्हारा दिल काफी ज्यादा ग्लोबल है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो। जिस पर कैन रिजुवे उसे दोबारा से गुस्सा कर देती है तुम्हें ऐसा लगता है जो इंसान तुम्हारे से वीक है तुम इसे इजिली बुली कर सकते हो, तो अगर तुम्हारा लॉजिक ये है मैं तुम्हारे से ज्यादा स्ट्रांग हूँ तो फिर मेरे पास तुम्हारे लाइफ और डेथ का दोनों ही राइट मौजूद है जिसमें से जो चाहूँ मैं फैसला कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पनिशमेंट दे सकती हूँ। बुली दोबारा से उसे कहता है मैं आज के बाद किसी को भी बुली नहीं करूंगा। जिसके साथ कैन रिजुवे उसे कहते है मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ कि तुम दोबारा से ऐसी गलती ना करना तो तब भी अपने आप को टेक कर सकते हो, जबकि बाद उस चीज को दो जो कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्राउड फील करवाती है जिसके बाद तुम बाकी सबको अपनी तरफ से देख सकते हो। जिसके साथ कैन रिजुवे उसके स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर लेती है और उसके साथ हम कैन डोली की आवाज आते है जो कि कहता है अभी के लिए तुमने उसे किल नहीं किया, हालांकि तुम उसे किल करना चाहते तो तुम उसे किल कर सकते थे मगर तुमने सिर्फ उनकी स्पिरिट रिंग को ही डिस्ट्रॉय कर लिया है। तुमने 8 एग्जाम के पहले स्टेज को बहुत ही इजीली पास कर लिया है और इसमें से तुम इजी पास हो चुकी हो। जिसके साथ कैन रिजुवे से कहते हैं तो क्या ये 8 एग्जाम का पहले स्टेज थे। जिसके साथ कैन डोली उसे दोबारा से कहता है प्लर्टी ग्रीडी एनपीएस ब्रिटेर इंसान का लालच कभी भी खत्म नहीं हो सकता और कभी भी लिमिटेड नहीं रह सकता है। ये पर्सन इस स्टेज का सबसे ज्यादा लिस्ट पर्सन था और सबसे ज्यादा कम क्राइम करने वाला इंसान था, इसके बारे में अभी भी तुमने जस्टिस किया है, इसे आने वाले स्टेज और भी ज्यादा मुश्किल भी हो सकते है जिसमें तुम कोई भी गलती ना करना। जिसके साथ हमारा यूथ दोबारा से चेंज हो जाता है और हम लोग आज
तांगसन के ऊपर और अभी के लिए तांगसन की मॉम की एवोल्यूशन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी होती है और यहाँ पर तांगसन बेटा कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं ब्लू सर्फ प्लांट के स्पिरिट अपनी एम्परर के पास आने लगते हैं और वो सारे अपनी एम्परर के सामने आकर बाव करते हैं, जिसके साथ ही आयन का बॉडी बॉर्न होना स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ ही आयन का ब्लू सर्फ प्लांट में से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है जो कि इन सब ब्लू सर्फ प्लांट पर पड़ने लगते है, जिसके साथ आयन इन सब से कहती है मैं आप सबको शुक्रिया कहती हूँ क्योंकि आप सब लोग मुझे बॉर्न होने में हेल्प किया है, क्योंकि आप सब लोग मुझे हेल्प करने के बाद मैं अपनी लाइफ में वापस आ चुकी हूँ और ये सारी एनर्जी लाइट मेरी तरफ आपको गिफ्ट है ताकि अपने टाइम को जल्दी से कम्प्लीट कर ह्यूमन फॉर्म में आ सकूं। और उसके साथ ही हम देखते हैं आयन का ह्यूमन बॉडी फॉर्म हो जाता है, जिसे देखते तांग हाओ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और भागता हुआ आयन की तरफ आने लगता है और यहाँ पर तांग हाओ अपनी इमोशन को जरा भी कंट्रोल नहीं कर पाता और जाते आयन का गले लग जाता है और उसके साथ आयन से कहता है मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया हूं। जिसके साथ आयन कहती है हम लोग दोबारा से एक दूसरे से मिल चुके हैं और अब क्या, हम लोग तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाने वाली, मुझे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ज्यादा चेंज हो चुके हो, तुम अभी भी मेरा हस्बैंड हो। और उसके साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ गले लग जाते हैं और इसके साथ ही आयन टैंगसन और शव को अपने पास बुला लेते हैं और दोनों को गले लगाते हैं, जिसके बाद आयन का फैमिली एक साथ हो जाता है, जिसके साथ टैंगसन अपनी मदर से पूछता है आपकी रिकवरी कितनी ज्यादा बेहतर है, जिस पर उनकी मदर कहती है मैं पहले से काफी ज्यादा ठीक हूँ, उसके साथ साथ मेरी सिर्फ अपनी ह्यूमन फॉर्म नहीं बल्कि मेरी स्पिरिट पावर काफी ज्यादा रिकवर हो चुकी है और अभी के लिए मेरी लेवल 70 हो चुकी है। जिसके साथ आयन दोबारा से कहते हैं जब के वक्त मेरे पास ब्लू सोल ब्रीड इंप्रेशन मौजूद है तो इसकी वजह से मेरी माइंड पावर भी उतनी ही जितने की मेरी तब के वक्त थी, जब के वक्त में 100,000 ईयर की स्पिरिट बीस्ट थी, जिसका मतलब यह है कि आयन का इनिटेशन लेवल काफी ज्यादा है। जो सब सुनते हैं टैंगसन कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है, वन एम्पर लो यहाँ पर हम लोगों के साथ किसी भी टाइम में बैठ सकते हैं, तो जब के वक्त आपके मुकम्मल हो जाए हम लोग यहाँ से जल्दी से निकलेंगे। फादर मदर मैं आप दोनों को हाउटन क्लैन में वापस लेना चाहती हूँ। जो सुनते तांग उसे कहता है हम लोग वहाँ नहीं जाने वाले ही। जिसके साथ ही दोबारा से टैंगसन कहता है वहाँ पर काफी ज्यादा ग्रेट पावरफुल लोग है तो वहाँ पर हम लोग बहुत ही इजिली अटैक को डिपेंड कर सकते है और उसके साथ ही साथ वहाँ पर मैं आप दोनों का सेफ्टी का गारंटी करता हूँ। जिसके साथ दोबारा से तांग उसे कहता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मेरे लोगों ने मुझे क्लैन से निकाल दिया गया था और अभी के लिए वो लोग मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जिसके साथ टैंगसन उसे दोबारा से कहता है अंकल और आर्ट दोनों ही आपका इंतजाम कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ एल्डर ने भी मुझे ये कहा था, तो जब के वक्त मैं उनकी शर्तों को कंप्लीट करता हूँ तो वो लोग आपको माफ कर देंगे। तो अभी के लिए ये सब कुछ मुकम्मल हो चुका है और इन सारे शर्तों को पूरा कर चुकी हूँ और अभी के लिए मैं और आप दादाजी को रेस्पेक्ट दे सकती हूँ। जिसके साथ टैंगो दोबारा से उसे कहता है मगर उसके साथ टैंगसन उसे रोक देता है और उसे कहता है ग्रेट ग्रैंडफादर की यही विश है। जो सुनते टैंगो जल्दी से उसे कहता है ग्रेट ग्रैंडफादर को मिले हो, वो अभी भी जिंदा है। जिस पर टैंगसन उसे कहता है ग्रेट ग्रैंडफादर स्लॉटर सिटी के प्रेस किंग थे। जो सुनते टैंगो को समझ में आ जाता है और उनके पास पर रहते हुए उनको नहीं पहचान पाता। जिसके साथ टैंगो से कहता है वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए और उसके साथ ही उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जिसके साथ टैंगसन उसे गोल्डन हैमर दिखाता है, उसके साथ कहता है ग्रेट ग्रैंडफादर ने मेरे बातों को सुनने के बाद ये हैमर मुझे दिया था। दोस्तों हमारे एपिसोड यहाँ पर कवर होता है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।